हाय, मैं निपुज मुकेशन, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, मतलब पीएफसी के बारे में। ये भी एक सेक्टर जो है हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में आते हैं ये स्टॉक, और गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो भी स्टॉक्स हैं जो रेलवे से रिलेटेड है वो सारे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बूमिंग होते जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हमें जनरेट करके दे भी रहा है। तो आज जो हमारे स्टॉक्स के जो लिस्ट हैं, लगभग 10 स्टॉक्स की लिस्ट हैं, 10 वीडियोस आज ही अपलोड हो रहे हैं। आप इन सारे स्टॉक्स को के एनालिसिस को चेक करें, आप अपने एनालिसिस को भी चेक करें, दोनों के एनालिसिस को सिंक करें। अगर आपको लगता है कि दोनों का एनालिसिस सही बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है, आपके लिए काम की है, तो आप इस स्टॉक्स में ज़रूर से इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स हमने जो सेलेक्ट किया वो सभी का सभी 50-45 मूविंग एवरेज के ऊपर आके खड़ा है, आफ्टर कंसोलिडेशन के बाद खड़ा है और एक करेक्शन के बाद खड़ा है। तो यहाँ से ही स्टॉक्स एक अच्छा खासा मूवमेंट देते हैं, यही एक अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे हमें प्रॉफिट जनरेट करने का मौका मिलता है। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप इसमें जरूर से अपना एनालिसिस चेक करें और पोजीशन बनाएं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाएं, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन का ही आपको टाइमिंग मिलेगा, उसके बाद इसमें नहीं मिलेगा, फिर आप इसमें नहीं पकड़ पाएंगे। अगर इसमें 20% 30% का ग्रोथ मिल गया तो ये अपना टारगेट की तरफ जाके रहेगा, जहाँ से बुकिंग करने का टाइमिंग आएगा, फिर आप एंट्री करोगे तो आपको लॉस में ही रहेंगे। तो बेस्ट तरीका होगा कि जितना ज़्यादा जल्दी जल्दी हो सके आप इसमें अपना पोजीशन जरूर बनाए। जैसा कि हमने लिखा है, निगेटिव सेंटीमेंट एंड करेक्शन खत्म हो चुका है, अब आया है मौका पैसा कमाने का, स्टार्ट टू बाई नाउ। ऑन टारगेट इसका 500 का है, मैं चल के देखता हूँ पावर पीएफसी क्या है। पीएफसी इसका करंट प्राइस 435 का है और स्टॉक पी रेशियो जो है 7.62 का है, वैल्यू 283 का है। डिविडेंड यस पे करती है, हर गवर्नमेंट सेक्टर्स अपना डिविडेंड जरूर देती है। आरओसी इसमें जो दिखा 9.08 है, आरओसी इसमें आप चेक करो 20.4%, दैट मींस इज वेरी नाइस बॉस। और इंटेंसिव वैल्यू देखें 557 दिखा रहा है, और अगर इसकी डेट टू इक्विटी देखें 8.73 है, ईपीएस इसका 57 पॉइंट है, और अगर हम प्रॉफिट को देखें 30.5% के हिसाब से हो रहा है। इसका करंट रेशियो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज के हिसाब से आते हैं, और पित्रोस इसमें जो दिख रहा है वो 5.5 दिख रहा है, तो दैट मींस ये लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ रहा है। अगर हम इसकी एफआईएस की देखें 17.8% और प्रमोटर की होल्डिंग 56 पॉइंट का है, और ग्राम नंबर इसका 602 है, और डीआईएस की होल्डिंग 17.5%। जैसा कि आप कोई स्टॉक्स के बारे में ये जानना चाहें कि ये स्टॉक्स वैल्यू है अंडर वैल्यू है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये करंट प्राइस इसका 435 है, इंटेंसिव वैल्यू 557 है, ग्राम नंबर 6.602 है, और बुक वैल्यू 283। इसकी अब कंप्लीट फंडामेंटल पावर, इसका अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो तो नियर अबाउट 1,43,422 है, यू नो, और इसका इंटेंसिव वैल्यू और ग्राम नंबर्स के हिसाब से और ये देखो तो ये अंडर वैल्यूज है। इस स्टॉक्स को 500-600 के नियर अबाउट होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं, तो आपको बहुत अच्छा चांसेस है इसमें आप अपना पोजीशन बनाएं और प्रॉफिट रिटर्न्स बनाएं। अगर हम टेक्निकल से नहीं चले तो वहाँ पे आपको देखें एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ, आप देखिए यहाँ से एक मूवमेंट लिया है, बहुत अच्छा मूवमेंट होकर यहाँ पे आया है, मीन्स यहाँ से चला है 400 के नियर अबाउट से चला है और 480 बनाया है। फिर अगर हम देखो एक अच्छा खासा करेक्शन, बहुत लंबा करेक्शन हुआ है, जो इस करेक्शन के लिए लास्ट 2-3 डेज से जो बहुत सारे लोग परेशान थे कि हमारा क्या हो रहा है, अचानक से स्टॉक्स नीचे जा रहा है, तो एक करेक्शन है बॉस, एक करेक्शन नहीं आएगा तो हमें अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा बाय करने का। तो यहाँ पे करेक्शन हुआ है और यहाँ से स्टॉक फिर से मूवमेंट बना के 1 और 2 डेज एक मूवमेंट बनाने को तैयार है। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, आप 1 और 2 दिन के अंदर में इसमें आपको पोजिशन बनाना होगा, नहीं तो ये सपोज यहाँ से यहाँ तक भी आ जाता है तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइमिंग हो नहीं होगा कि आपके इस टारगेट को अचीव करने में, तो आपका ये ज़्यादा जाएगा 450 तक, लेकिन हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट है 500 का। आपको यहाँ से अगर आपने 100 शेयर स्टॉक्स खरीद रहे तो आप 50 शेयर स्टॉक्स आप यहाँ से पे जाके बुक कर लो, और 50 स्टॉक्स आपके आगे तक के जाने की 550 तक का भी इंतज़ार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, वो आपका अपना डिसीजन होगा। चलिए अगर समरी पॉइंट्स में चेक करें तो वो 500 का टारगेट रिसेंट टारगेट बन रहा है, और जैसे कि नेक्स्ट टारगेट मैं बता रहा हूँ 550 का, तो आप उसमें एक सेकेंड चांस हो सकते हैं। 20 डेज का इंटरडे ट्रेडिंग डेज होगा आपका, अगर
अगर ये टारगेट 490 और 500 के बीच में आता है तो आपको प्रॉफिट बुक करें। अगर आपको लगता है यहाँ से आगे बढ़ेगा तो आप जरूर वेट करें, लेकिन आपने जो भी स्टॉक्स लिया है उसका 50% यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लें, 50% के लिए वेट करें। अगर आपको अच्छा खासा टारगेट अचीव हो जाता है तो वहाँ से एक प्लस पॉइंट आपके लिए होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।